आज पूरा विश्व क्रिसमस का पर्व मना रहा है। भगवान यीशु का प्रेम और करुणा का संदेश, मानव जात के कल्याण का एक उत्तम से उत्तम मार्ग है। विश्व भर में क्रिसमस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दो भारत रत्न, उनका भी जन्मदिन है। एक भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोई प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाता है तो उस राज्य को आनंद होता है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो किसी राज्य में नहीं गया हूं, मैं तो मेरे अपने राज्य में आया हूं। उत्तर प्रदेश में ही मुझे गोद लेकर के मेरा लालन पालन किया है, मेरी शिक्षा दीक्षा की है और मुझे नई जिम्मेवारियों के लिए ढाला है। यही उत्तर प्रदेश है। बनारस वासियों ने मुझे सांसद बनाया, पहली बार सांसद बना, और यही उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं जिन्होंने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, आज बॉटनिकल गार्डन से मुझे मेट्रो में यात्रा करने का सौभाग्य मिला। और आज का युग ऐसा है कि बिना कनेक्टिविटी जिंदगी ठहर जाती है, बिना संपर्क बिखरा बिखरा सा माहौल हो जाता है। ये मेट्रो ये सिर्फ आज के युग में चलो मेट्रो आ गई अच्छा हुआ, इतना सीमित अर्थ नहीं है। करोड़ों रुपयों की लागत लगती है, बहुत बारीकी से इसको लागू करना होता है। लेकिन एक प्रकार से आने वाले 100 साल तक, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक
इसका सामान्य मानवी को लाभ मिलने वाला है। ये व्यवस्थाएं दूरगामी होती है। एक नोएडा वासी के रूप में, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में ये व्यवस्थाएं सच्चे अर्थ में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। कभी कभी हमारे देश में कोई भी विषय ऐसा नहीं होता है जिस पर राजनीति का रंग न लगाया जाए। और इसलिए कभी कभी विकास के उत्तम काम भी हमेशा जनहित के तराजू से तोलने के बजाय राजनीतिक दलों के हितों के तराजू से तोले जाते हैं। आज भी हम देश में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पैदावारों को इंपोर्ट करते हैं। देश का बहुत सारा धन इस पर खप रहा है। हमारी कोशिश है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो तो विदेशों से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, 2022 में रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है। हम कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं कि इस बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के बावजूद भी आज हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसमें कुछ परसेंट हम कमी कर सकते हैं क्या? देश का धन देश में बचा सकते हैं क्या? और इसलिए मास ट्रांसपोर्टेशन, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ये समय की मांग है। आज शायद धन खर्च करने में दिक्कत आती है, प्राथमिकताओं को थोड़ा बदलना पड़ता है, लेकिन इसके कारण आने वाले समय में इसका बहुत लाभ होने वाला है। इस मेट्रो के साथ सोलार एनर्जी को भी जोड़ा गया है। करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सोलार एनर्जी से उत्पादन होगी, सूर्य शक्ति से उत्पादन होगी, जो इस मेट्रो के खर्च को कम करने में काम आएगी। इस मेट्रो के कारण जो प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं वो स्वाभाविक रूप से मेट्रो पसंद करेंगे, और उनकी तरफ से भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का खर्च होता था उसमें बहुत बड़ी भारी मात्रा में बचत होगी। एनवायरमेंट को फायदा होता है। और मैं चाहता हूं कि मेट्रो ट्रैवलिंग ये हमारे देश में एक प्रतिष्ठा का विषय बनना चाहिए, प्रेस्टीज का विषय बनना चाहिए। हर व्यक्ति गर्व से कहे, नहीं नहीं मैं तो गाड़ी नहीं ले जाऊंगा भाई, मैं तो मेट्रो से जाना पसंद करूंगा। ये हमारी मानसिकता में बदलाव हमें लाना होगा।
और तब जाकर के हम देश को कई समस्याओं से बचा सकते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 24 दिसंबर 2002 अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के सबसे पहले मेट्रो के पैसेंजर बने थे। आज उस घटना को 15 साल हो गए। उस समय आरंभ हुआ था, आज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ये नेटवर्क फैल चुका है और आने वाले कुछ और समय में ये और बड़ी मात्रा में जुड़ने वाला है। वो दिन दूर नहीं होगा जब दुनिया के पहले 5 मेट्रो नेटवर्क में हमारे इस नेटवर्क का भी नाम दर्ज हो जाएगा। और ये चीजें देशवासी के लिए एक गौरव का विषय होता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम एक गुड गवर्नेंस के डे के रूप में भी मनाते हैं। कभी कभी हमारे देश में ये मान करके चला जाता है सब ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा, छोड़ो यार कौन करेगा। और कभी हम कहते हैं हम तो बहुत गरीब देश हैं, क्या करें कुछ है ही नहीं हमारे पास। सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, ये देश संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन देश की जनता को उस संपन्नता और समृद्धि से अलग रखा गया है। और इसलिए अगर बारीकियों में देखा जाए तो ध्यान में यही आता है कि समस्याओं की जड़ में एक महत्वपूर्ण कारण है गवर्नेंस का अभाव, सुशासन का अभाव। होती है, चलती है, मेरे पराए तेरे अपने, चीजें उसी में उलझ जाती है और एक स्वभाव बन गया है। कोई भी काम लेके जाओ, हर कोई सामने देखता है, फिर धीरे से पूछता है मेरा क्या, पूछता है कि नहीं पूछता है, यही आदत है ना। और अगर सामने से जवाब फीका आया, तेरा कुछ नहीं अगर ये हुआ, तो फिर वो हाथ ऊपर करके बोल देता है तो फिर मुझे क्या। शासन व्यवस्था मेरा क्या वहीं से शुरू हो, और अगर मेरा स्वार्थ सिद्ध न हो तो मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये स्थिति ने देश को तबाह किया है और मैंने उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं ये चीजें करने में कितनी दिक्कत होती है, मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, राजनीतिक लाभ हो तभी निर्णय करना चाहिए और राजनीतिक लाभ न हो तो निर्णय नहीं करना चाहिए। क्या देश को ऐसे अधर में लटकने देना चाहिए क्या? और इसलिए भाइयों बहनों,
देश ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो नीति पर चलना चाहती है, साफ नीयत के साथ काम करना चाहती है और सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के सपनों को पूरा करने के इरादे से काम करती है। हमारे सारे निर्णय सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। ये मेट्रो का आज उद्घाटन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान के जो टॉप 10 उद्योगपति होंगे उसमें से कोई इसमें सफर करने के लिए आने वाला है। इसमें तो सफर करने वाले आप लोग हैं, बड़े गर्व के साथ यात्रा करने वाले लोग हैं और मैं भी यहां आपके लिए आया हूं। गुड गवर्नेंस, आपने देखा होगा उन राज्यों की प्रगति अच्छी हो रही है जहां पर गवर्नेंस पे बल है, गुड गवर्नेंस का प्रयास है, और जहां जहां पर गवर्नेंस में सुधार शुरू होता है, शासन व्यवस्थाओं में सुधार शुरू होता है, सरकार अकाउंटेबल बनती है, मुलाजिम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, पूरी व्यवस्था प्रशासन रिस्पॉन्सिव होता है, तो अपने आप समस्याएं कम होती नजर आती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासनकाल में गुड गवर्नेंस पर बल दिया, देश को कनेक्टिविटी के लिए बल दिया। आज एक योजना पूरे देश में किसी भी एमएलए को मिलिए, किसी भी एमपी को मिलिए, एक चीज को वो जरूर आग्रही होता है, होनी चाहिए, और वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस देश में उन बातों को भुला देने का भरसक प्रयास हुआ है कि आखिरकार गांव गांव सड़क पहुंचाने का ये सपना किसका था। बहुत कम लोगों को मालूम है ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी का था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर किसी ने लगाई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाई, और उसके कारण आज हिंदुस्तान का हर गांव पक्की सड़क से जुड़ रहा है। और जब से हम आए हैं हमने बीड़ा उठाया है कि 2019 तक हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ करके वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया था उसको पूर्णता की ओर ले जाना। स्वर्णिम चतुष्क पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किसी समय रास्ते बनाने के लिए इतिहास में हम शेरशाह सूरी का नाम सुनते आए थे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का एक ही कल्पना का, एक ही डिजाइन का स्वर्णिम चतुष्क बनाने का सपना वाजपेयी जी ने देखा और अपने ही कार्यकाल में बहुत मात्रा में उसको गति भी दे दी। आज पूरा देश
ये नई कनेक्टिविटी, नई रोड रखना, उसे देख करके उसको लगता है हां ऐसा लग रहा है कि हम अब दुनिया की बराबरी कर रहे हैं। ये मेट्रो का सपना जिसके पहले पैसेंजर अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज हिंदुस्तान के अनेक शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है। 50 से अधिक शहरों में बहुत ही जल्द मेट्रो का नेटवर्क, और दुनिया को भी आश्चर्य होता है कि एक देश में मेट्रो नेटवर्क के लिए इतनी बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। और विश्व एक पूंजी निवेश भी करने वाले इसमें रुचि लगा रहे हैं। 1200 कानून, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने एक जगह पे भाषण में कहा था कि पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती हैं कि हमने ये कानून बनाया, वो बनाया, दिखना बनाया, फलाना बनाया। अच्छी बात है कानून बनाना, पार्लियामेंट का विशेष जिम्मेवारी है और समय की आवश्यकता के अनुसार बनाने भी चाहिए। लेकिन मैंने चुनाव अभियान में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद हर दिन एक कानून खत्म करना चाहूंगा। कानूनों का ऐसा जाल, ये गुड गवर्नेंस की सबसे बड़ी रुकावट। एक ही काम के लिए आपको 3 कानून मिल जाएंगे। अगर अफसर करना चाहता है तो एक निकालेगा, लटकाना चाहता है तो दूसरा कानून निकाला, और अगर भटकाना चाहता है तो तीसरा निकालेगा। सामान्य मानवी को इससे समस्याएं होती, और इसलिए सरकार ने अब तक करीब करीब 1200 कानून खत्म कर दिए। गुड गवर्नेंस की दिशा में मुझे बराबर याद है, जब मैं पहली बार नया नया प्रधानमंत्री बना तो अखबारों में स्पेशल न्यूज छपते थे, बॉक्स आइटम छपती थी, क्या कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग समय पर दफ्तर आने लगे हैं। अब मुझे बताइए, एक खुशखबरी है, ये दुख होने वाली खबर है। बहुत लोगों को खुशी हुई कि चलो मोदी जी आए तो लोग समय पर आने लगे, लेकिन मुझे दुख हुआ कि मेरा देश का क्या हाल है कि एक अफसर समय पर दफ्तर चला जाए तो भी मेरा देश खुश हो जाता है। उसने कितने दुख देखे होंगे, इसका ये जीता जागता उदाहरण। मैं आज हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, गुड गवर्नेंस पर बल दे रहे हैं। लेकिन उनके कपड़े देख करके ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते, ये पुराण पोथी होंगे, ये मान्यताओं में बंधे हुए होंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी,
कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है। उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता, और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री कहीं जाने से कुर्सी चली जाएगी इस डर से अगर जीते हैं तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। मान्यताओं में कैद कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं, श्रद्धा का अपना स्थान होता है लेकिन अंधश्रद्धा के लिए कहीं जगह नहीं हो सकती। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना, अब ये मुसीबत सिर्फ उत्तर प्रदेश में है ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां मान्यताओं में पता नहीं क्या क्या। आपने देखा होगा एक मुख्यमंत्री ने कार खरीदी, मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, और किसी ने बता दिया कार के कलर के संबंध में, तो उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे। ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग सार्वजनिक जीवन का बहुत अहित करते हैं। सारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस प्रकार की मान्यताओं में कई सरकारें कई मुख्यमंत्री फंसे पड़े हैं। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना, मेरे ध्यान में कोई 6 या 7 जगह ऐसी लाई गई कि वहां तो जा ही नहीं सकते, अगर वहां कोई जाता है तो बाद में वो मुख्यमंत्री रहता ही नहीं है, उसकी कुर्सी चली जाती है। मैंने बीड़ा उठाया, मैंने कहा मेरे दौरे में पहले ही साल में सारा पूरा कर दो। मैं उन सब जगह पे गुजरात में गया जहां इस प्रकार की मान्यताओं के कारण 3-3, 4-4 दशक से कोई मुख्यमंत्री उस तरफ गया तक नहीं, सारा मैंने खत्म कर दिया। सब जगह पे गया, शाम से गया, और उसके बाद भी सबसे लंबे कार्यकाल तक सेवा करने का मौका मुख्यमंत्री तक के नाते मुझे मिला। अब उस गांव का, उस तहसील का, उस नगर का क्या दोष था, लेकिन आज योगी जी ने नोएडा का जो साथ ये जो टीका लगा था उसको अपने बलबूते से हटा दिया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। भाइयों बहनों, गुड गवर्नेंस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जब मैं गुड गवर्नेंस की बात करता हूं तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए, यूरिया का कारखाना लगे और यूरिया के उत्पादन में बढ़ोतरी हो, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन देश में
एक भी नया यूरिया का कारखाना लगाए बिना हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद गुड गवर्नेंस को बल दिया गया, आवश्यक नीतियों को निर्धारित किया गया, रोडमैप बनाया गया, लागू किया गया, एक भी नया यूरिया का कारखाना न बनाते हुए भी करीब करीब 20 लाख टन यूरिया अधिक उत्पादन हुआ। वही कारखाने, वही मशीन, वही रॉ मटेरियल, वही मजदूर, सरकार बदलने के बाद गुड गवर्नेंस पर बल दिया, नया कारखाना न लगते हुए भी उसी पुरानी व्यवस्था में 18-20 लाख टन यूरिया बढ़ जाना, ये गुड गवर्नेंस के कारण होता है। भाइयों बहनों, रेल की पटरी बिछाने का काम रेल के मुलाजिम उतने ही है, रोड रास्ते वही है, रेलवे विभाग वही है, निर्णय करने वाले लोग वही हैं, फाइल का आने जाने का रास्ता भी वही है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि पहले जितनी रेल की पटरी एक दिन में बिछाई जाती थी, आज हमारी सरकार बनने के बाद उससे दो गुना पटरी बिछाई जाती है? कारण नीति स्पष्ट, नियत साफ और गुड गवर्नेंस पर बल, उसी का परिणाम एक होता है। नई रेल लाइन उसी प्रकार से डबल लाइन, जहां एक लाइन एग्जिस्टिंग है वहां दूसरी लाइन। क्या कारण है कि पहले की सरकारों की तुलना में हमारे आने के बाद ये दोहरीकरण, डबल लाइन का काम डबल हो गया? कारण गुड गवर्नेंस। भाइयों बहनों, रास्ते, सड़कें बनाना, नेशनल हाईवे पहले एक दिन में जितने बनते थे, अचानक सरकार के पास पैसे नहीं आ गए हैं, लेकिन एक एक पाइप का सर्वाधिक अच्छा उपयोग हो, हर मशीन का अच्छे से अच्छा उपयोग हो, समय का अच्छे से अच्छा उपयोग हो, ये गुड गवर्नेंस के मूलभूत सिद्धांतों का परिणाम है कि हमारे नेशनल हाईवे का निर्माण पहले की सरकार में एक दिन में जितना होता था, इस सरकार में डबल होता है, डबल। कारण गुड गवर्नेंस। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज विश्व व्यापार का युग है, समुद्री तट का, हमारे बंदरों का महत्व है, हमारे यहां कार्गो हैंडलिंग नेगेटिव था, ग्रोथ हो नहीं रहा था, जो था उसे भी पीछे जा रहे थे। हमारे आने के बाद दुनिया नहीं बदली है, हम बदले हैं, सरकार बदली है, इरादे बदले हैं, गुड गवर्नेंस पे बल दिया है, और आज उसी कार्गो का हैंडलिंग का नेगेटिव ग्रोथ था, वो आज 11% ग्रोथ हुआ है, क्योंकि हमने गुड गवर्नेंस लाए हैं। भाइयों बहनों, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इन सारे क्षेत्र में आज हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पहले की तुलना में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता हमने डबल कर दी है, डबल। भाइयों बहनों, ये गुड गवर्नेंस के कारण हुआ है। पहले जब सरकार थी,
अगर आप एलईडी का बल्ब लेने जाएं, जिसे बिजली के खर्च में बचत होती है, आप जानकर के हैरान होंगे, पहले एलईडी का बल्ब 3.5 साल पहले, मेरे आने से पहले 350 रुपए में बिकता था, आज 40-50 रुपए में बिकता है। 28 करोड़ एलईडी बल्ब आज इस देश में पहुंचे, 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जिसके घर में बिजली का एलईडी का बल्ब लगा है, उनकी बचत हुई, किसी की 200, किसी को 500, किसी की 1,000, किसी की 2,000। इतना ही नहीं, करीब 6,000 करोड़ रुपया एलईडी बल्ब की कीमत कम होने से मध्यम वर्गीय परिवार के जेब में बचे हैं। अगर गुड गवर्नेंस होता है तो कैसे बदलाव आता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, गुड गवर्नेंस होता है तो निर्धारित समय सीमा में कार्यक्रम तय होता है, नीति के आधार पर देश चलता है, किसी के वीम पर नहीं चलता है, नीति ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन का कोई अवकाश नहीं रहता है, और जब डिस्क्रिमिनेशन का अवकाश नहीं रहता है तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। भाइयों बहनों, हम देश में सुशासन के माध्यम से, गुड गवर्नेंस के माध्यम से, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन की तपस्या से प्रेरणा लेते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे चल रहे हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सबका साथ सबका विकास सबकी भागीदारी के साथ मंत्र से जुड़ा हुआ हो, विकास आने वाले भविष्य को ध्यान में रख करके होना चाहिए। और इसलिए हम विकासोन्मुख सुशासन, डेवलपमेंट लेड गुड गवर्नेंस, उस पर बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से देश के हर कोने को जोड़ने का काम किया, कनेक्टिविटी का काम किया, मार्ग बनाने का काम किया, और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुशासन के संदर्भ में अगर एक वाक्य में उनकी पहचान करानी होगी तो मैं कहूंगा, भारत मार्ग विधाता। अटल बिहारी वाजपेयी भारत मार्ग विधाता, रास्तों की दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाना, लोगों को जोड़ने का काम वाजपेयी जी के माध्यम से हुआ था। आज उनके जन्मदिन पर, क्रिसमस के पावन पर्व पर, महामना जी के जन्म जयंती पर, आज देश को, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाली ये मेट्रो को समर्पित करते हुए मैं बहुत ही गर्व अनुभव कर रहा हूं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार का मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, नोएडा के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशय धन्यवाद माननीय नव प्रेरणा।